तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? गौरी के लिए रिश्ता हम ही ले आए हैं। सुधरोगे नहीं ना तुम। हमारे घर के मामले में आज भी टांग अड़ानी है तुम्हें। हाँ, कहा करे सुरेंद्र, जब एक बाप अपना फर्ज निभाने से इनकार करे ना, तो एक मामा को ही मदद करने आना पड़ता है। बिट्टी और गौरी को हम अपना बिटिया माने, तुम लाख नौटंकी कर लो, पर हम अपना धर्म निभाएंगे। तब भूल मत, ठंडे दिमाग से काम लो सुरेंद्र। ना हम तुमसे झगड़ा करने आए, ना तुम्हें नीचा दिखाने का इरादा है हमारा। अरे गुस्सा छोड़ो, शुभ काम करने आए। ये लोग वहां क्या कर रहे हैं? मैं देख के आती हूं। अशोक? हाँ, उन्होंने ही आपकी पोती का रिश्ता बताया था। आप बैठिए, मैं लेके आती हूं उनको। सुरेंद्र बा, यहाँ। अरे रिश्ता यही लेके आया है। अब पछतावे के कारण तेरी मदद करना चाहता है और तेरे सर से एक बोझ कम करना चाहता है, तो करने दे। अरे बिटुआ, ये सोच कि अगर ये रिश्ता पक्का हो जाता है तो समाज में तेरा नाम, तेरी इज्जत कितनी ऊंची हो जाएगी कि सुरेंद्र ने इतने बड़े घर में अपनी बिटिया ब्याही है। तो चल 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 आओ। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। माफ कीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई। लीजिए लीजिए, इन नमकीन खाइए। अरे अम्मा जी, ये सब तो होता रहेगा। आप लड़की को बुलाइए, हम लोग अपनी होने वाली बहू को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ जरूर। बहुरिया जी, गौरी को ले आओ। तो जी खुश रहो बेटा। अरे नहीं बेटा नहीं, लगता है पसंद आ रही है। आओ यहाँ बैठो। बहन जी, खाना तो बना लेती है ना आपकी बेटी? जी जी बिल्कुल, हमारी गौरी को तो खाना बनाने में बहुत दिलचस्पी है। और हमें खाने में। भाभी जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पूछना। हमें और रजत की माँ को आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। एर्मिला, लेके जाओ। जी। अब तक हम लोग बाकी बात कर लेते हैं। चलो। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं करनी हमें। जी बिल्कुल, हमने पहले ही कह दिया था, हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपनी बेटी दे दीजिए और शादी का खर्चा भी हम आधा आधा कर लेंगे। अरे भाई साहब, ये बात बोल के ना आप हमारा दिल खुश कर दिए हैं।
इसी बात पे आपका मुंह मीठा कराते हैं। अरे अपने दोस्त को भी खिलाइए, इनकी वजह से तो ये रिश्ता हुआ है। अच्छा तो हम चलते हैं, जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे और बस आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। जी जरूर। अशोक भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये रिश्ता लाकर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये क्या कह रहे हो उर्मिला भाभी आप, इसमें एहसान का कोनो बात नहीं, गौरी हमारी भी तो बिटिया जैसी है ना, और उसके रिश्ते के लिए हमसे ज्यादा बिट्टी ने प्रयास किया है। हाय। ऐसे भी क्या काम में बिजी हो जो मुझे नोटिस तक नहीं किया? नहीं एक्चुअली साक्षी बहुत इम्पोर्टेंट फाइल थी इसलिए ध्यान नहीं गया। व्हाटएवर, जल्दी से रैप अप करो क्योंकि हम मेरी कुछ फ्रेंड्स के साथ लंच पे जा रहे हैं। साक्षी इस प्लान को थोड़ा पोस्टपोन नहीं कर सकते? No. क्योंकि ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। नो एक्सक्यूजेस। लेकिन साक्षी हम जा रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं। ओके, तुम चलो मैं आता हूं। जल्दी आना। क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई काम नहीं ऑफिस में? सॉरी सर। साक्षी साक्षी ये क्या है? What? I mean, अगर तुम्हें पता था कि तुम ऑफिस आ रही हो तो कोई सिंपल ड्रेस भी पहन सकती थी। Like really? पहले तुम मेरा बिहेवियर कंट्रोल करते थे और अब तुम मेरा ड्रेस कोड भी डिसाइड करोगे? No way. साक्षी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ कि हर इंसान को आजादी होनी चाहिए कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं, लेकिन जब हम किसी जगह पे जाते हैं, किसी माहौल में जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसी ड्रेसेस पहननी है, जिससे ना तो आप ऑकवर्ड हो और ना ही दूसरे। बट यू नो व्हाट अक्षय, मेरा जब मन करेगा, जहां मन करेगा, मैं वैसे कपड़े पहनूंगी और तुम कॉमेंट नहीं करोगे, ना आज और ना शादी के बाद। गॉट इट? वो लड़के वाले तो हमको बहुत ही अच्छे लगे। हम बता रहे बिटिया इतनी खुशी से रहेगी वहां पर कि क्या मिला। और गोपाल बाबू, अरे खुश हो ना दोनों लोग हैं? बिटिया की शादी तय हो गई है। भोलेनाथ का आशीर्वाद है और कहा। लेकिन कहा है कि तुम्हारी बड़की बेटी की डोली इस घर से तभी उठेगी जब ये
तुम्हारी लाडली इस घर के बाहर जाएंगी, समझी? ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब एकदम से अचानक से ऐसे? ए, अचानक वचानक कुछ नहीं है। हाँ, कहे से कि पहला रिश्ता एक के चक्कर में टूटा था, इस बार कोनो गलती नहीं करेंगे हम। इसीलिए तय किए हैं कि जब तक इसके कदम इस घर के बाहर नहीं फूटेंगे ना, इस घर में बारात नहीं आएगी। लेकिन चुप, चलो अम्मा। हमारी बात अम्मा जी सुनिए ना। का सुने? बिटुआ ने जो तुमसे कहा है तुमने सुना है? तो बस अमल करो उस पे। एक ऐसी परीक्षा, एक बेटी का घर बसाने के लिए दूजी को बेघर कैसे करें हम? रेखा बना दी तुमने अपनी कसम दिलाकर। नहीं, देखो हमारी बात सुनो, हम तुम्हारे पापा से बात कर लेंगे, उनको मना लेंगे, तुम कहीं मत जाना। भैया समझाओ ना इनको। जाओ ना। अरे हम पापा को मना लेंगे। अरे क्या हुआ? अरे यश देखो ना, बिट्टी घर छोड़ के जा रही है, अब तुम ही इनको समझाओ। हमको कसम दिला दी, हम ये लांग के नहीं जा सकते। तुम जाओ ना, इनको बताओ ना। एक मिनट, अगर बिट्टी चली गई तो हमारी पेंटिंग कौन बनाएगा? यही तो पटवा के देगी हमें रिचा को। जब तक हमारा काम नहीं होता इसे झेलना ही पड़ेगा। तुम यहाँ पे रुको, हम आते हैं, ठीक है? तुम्हें कसम है मम्मी की, रुको यहां पे। अम्मी चलो।
अरे तुमको बोले ना कि हाँ हो जाएगा ना काम, रखो फोन तुम। हाँ ठीक है, क्या हुआ बिटवा? पापा आप बिट्टी को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? ये काम ना हम बहुत पहले कर चुके होते, लेकिन कहा है कि हमको मौका नहीं मिला, समझे? पापा पर ये भी सही मौका नहीं है, इसमें हमारे नुकसान है। अरे क्या हो गया तुमको हैं? तुम भी बाकी की तरफ बोरा गए हो का? पिछली बारी तुम्हारी अम्मा की वजह से उसको घर में रहने दिए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक ना सिर्फ बेइज्जत कराई हमें। अब दोबारा उस बॉल को अपने खोपड़ी पे नहीं ला देंगे हम। पापा अगर वो बाहर निकल गई तो हमारे लिए दुगनी आफत की पुड़िया बन जाएगी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कैसे? देखिए ये सब जानते हैं कि वो बोल नहीं सकती, ठीक है, और हमारे घर पे रहती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप उसको गौरी की शादी से पहले घर से बाहर निकाल देंगे तो लोग सवाल पूछेंगे, और अगर किसी ने गलती से लड़के वालों के सामने मुंह खोल दिया तो। देखो बेटा ऐसा है ना कि तुम भी बाकी की तरह हमारा माथा मत खराब करो, चलो जाओ। अरे एक मिनट बिटवा, लल्ला की बात एकदम खरी है, ई डर तो बना ही रहेगा। पर अम्मा हम सही कह रहे हैं। अरे रहने दे उसे, अरे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, फिर मौका मिलेगा तब निकाल देना है। अम्मा तुम न, अरे हम कह रहे हैं ना। तुम कह रही हो ना, इसलिए रख रहे हैं। ए बिट्टी तुमको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पापा मान गए, तुम अब यहीं रह सकती हो। बहना जीजा जी माने कैसे? यश ने उनको समझा दिया। यश आज तुमने सही मायनों में भैया होने का फर्ज निभाया। भैया बने हैं ताकि ऋचा के सैया बन पाए। अरे हमें कोई सगाई वगैरह नहीं, चली चली यहां से। हमें और रजत की माँ को आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है, जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे और बस आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए।